एंड मुझे ऐसा स्वप्न में लगता है फॉग नहीं है क्योंकि इतनी जल्दी फॉग आता नहीं है। यहाँ पे स्वप्न रेडी हो रही है, बहुत ज्यादा बुरी हालत है। ये है मेथी का पराठा। अच्छा, घूमी के नाम पे तुमने डैडी को छोड़ा है ना? Hey guys, good morning. अभी सुबह के 7:15 हो रहे हैं, देख सकते हो, और यहाँ पे उठ चुके हैं टमटी महाराज जी, जो कि जा रहे हैं अपने गेम्स के टॉयज के पास जा रहे हैं अपने टमटी। एंड ये अभी जस्ट उठा है सो के। Hey guys, good morning, what's up, welcome back to my new vlog. और आज दिल्ली में कोहरा है बाहर, अभी जस्ट मैंने ओपन करके देखा, लेट मी शो यू कि वापस से दिल्ली की सर्दी शुरू हो चुकी है। एंड हेयर इट इज, कैन यू गाइस सी, कुछ भी नहीं दिख रहा है बाहर, पूरा यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स जो है वो दिख नहीं रही है, दैट मीन्स कि ये कोहरा है और इधर भी बहुत ज्यादा है और टमटी को बस नहीं दिख पा रही है। टमटी, यस यू कांट सी बस बेटू। तो आज के जो इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं वो है हमारा मॉर्निंग रूटीन, कैसे कितने बजे हमारा दिन शुरू होता है और क्या 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 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। यस बेटू, अरे बापरे, ये पता नहीं कहाँ से इसने वर्ड सीख ली है, ये कुछ भी करता है ना उसमें सेम यही बात बोलता है, से हेलो टू एवरीवन, हेलो। और यहाँ पे स्वप्निल भी जग गई है। क्या हुआ? कैमरा फेस पे आते ही क्या हो गया? नींद आ रही है, अभी तो जिम चलना है, 8 बजे क्लास है। अरे यार क्या, कल भी तुम नहीं गई थी। लेट मी टर्न ऑफ द लैम्प। ठीक है अपनी सारी गाड़ियाँ निकाल ली है यहाँ पे। तो ये यूजली 6:30-7 बजे तक जग जाता है, उसके बाद ये खेलता है अपने टॉयज के साथ और हम लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी नींद और कंप्लीट कर ले, बट क्योंकि ये बार बार बुलाता रहता है हम लोगों को तो हम लोग को उठना ही पड़ता है। तो अभी हमारा सीन ये है कि यूजली हमारी 8 और 9 बजे के बीच क्लास होती है, तो अभी हम लोग सो के उठे हैं आज 7 बजे, तो अब हम लोग रेडी होंगे और 7:45 के अराउंड हम लोग निकल जाएंगे जिम के लिए और इसको हम लोग छोड़ेंगे पापा के पास क्योंकि पापा जाएंगे नीचे इसको वॉक पे ले जाएंगे एंड 1 घंटे उसके साथ टाइम पास होता है, खेलते हैं दोनों, उसके बाद फिर हम लोग जब वापस आ जाते हैं तब हम लोग मिलके बनाएंगे ब्रेकफास्ट। तो अभी फटाफट से रेडी होते हैं जिम के लिए क्योंकि जिम हमारे घर के पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में, आपने कई बार हमें देखा भी हुआ है जाते हुए। तो बस जिम निकलते हैं, रेडी होते हैं और एकाक्ष के साथ जो टाइम स्पेंड करना है वो अभी कर लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आके ही इससे बात हो पाएगी। मुंह वॉश करके आओ, चलो लेट हो जाएगा जिम, कल भी क्लास हमारी रह गई थी ना यार। अब तैयार हो, पहले मैं 5 मिनट हो जाऊंगी। तुम 5 मिनट में नहीं होती हो, तुम्हारा पता नहीं क्या मेकअप वेकअप लगा रहता है। चलो उठो जमजी, ब्रश। बहू आपके सॉक्स गीले हो जाएंगे। सॉक्स गीले हो जाएंगे से पापा, तुम वो कमोड बंद कर देना प्लीज। सो हम लोगों ने इसको ब्रश करने की आदत डलवा दी है, मैंने अपने साथ जब मैं करता था इसको देता था, 1-2 दिन इसने कुछ किया ड्रामा, बट तीसरे दिन से अपने आप ब्रश करने लग गया, तो ये बहुत अच्छी हैबिट है। अब हमें इसको रात को भी डलवानी है क्योंकि सिर्फ सुबह सुबह करता है, बिफोर गोइंग टू बेड यू ऑल्सो नीड टू ब्रश। ओके, पापा भी करेंगे ब्रश, मम्मा भी करेंगी और टमटी भी करेगा। गाइस अभी हम दोनों ने ब्रश कर लिया है, टमटी लुक हियर, और अब हम लोग रेडी होंगे, मतलब कि काक्स तो रेडी है ऑलरेडी, हमने उसको सॉक्स वगैरह पहना दिए, अब जैकेट भी पहना देंगे एंड अब बस जिम के लिए हम लोग रेडी होंगे। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही ना तो कुछ भी सुबह उठने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि यार थोड़ी क्लास और लेट होती तो सोने को मिल जाता, बट ना हम लोग सो सकते हैं और इस ठंड में भी जाना ही पड़ेगा। एंड मुझे ऐसा स्वप्न में ये लगता है फॉग नहीं है क्योंकि इतनी जल्दी फॉग आता नहीं है, मुझे लगता है ये स्मॉग है, थोड़ा हमें बाहर जब जाएंगे ना तब पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि स्मॉग में ना अलग सी वो आती है, अजीब सी स्मेल आती है जिसमें से कुछ जल रहा होता है ना, जैसे ये लोग पराली वगैरह जलाते हैं पंजाब साइड में, तो वो यहाँ तक उसका इफेक्ट होता है दिल्ली तक भी। तो गाइस हम लोग ना रेडी हो चुके हैं जिम के लिए और एकाक्ष को ना आइडिया हो चुका है कि मैं और सफल कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो ना हम लोग के पास ही आने की कोशिश कर रहा है और गेम खेलने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग भी बिजी हो जाएं उसके साथ और वो हम उसको छोड़ कर आ जाए, ये इसको नहीं पता है कि हमें जाना ही पड़ेगा। टमटी कहाँ है? टमटी ये देखो, टमटी खेलना शुरू हो चुका है हमारे साथ गेम, यहाँ पे स्वप्न रेडी हो रही है। चलो चलो, दादू आ चुके हैं। पापा इस बार कोहरा है कि ये स्मॉग है? कोहरा भी है और भी है, स्मॉग भी है। ओके, क्योंकि ठंडी तो इतनी है नहीं आज, तो टमटी आप नीचे वॉक पे नहीं जा सकते, अभी थोड़ा सा धूप निकल आएगी तब जाना, ठीक है? आपको पता चल गया क्या कि रेडी जाने वाले?
सो हम लोग अभी सारी बुक्स और इसके यस बेटू सारी बुक्स और टॉयज दादू के रूम में छोड़ के जा रहे हैं। ये देखो क्या हो रहा है बाहर। गाइस हम लोग बहुत ही मुश्किल से निकले हैं क्योंकि वो दादू के पास बार बार डैडी 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 कर रहा था, तो बस ऐसे ही हमें निकलना पड़ता है जिम के लिए भी। और बट लेकिन ये अच्छी बात भी है क्योंकि पूरा टाइम हम उसको अपने साथ रखते हैं हमेशा, बट कभी कभार एक दो घंटे अपने लिए भी चाहिए होते हैं, तो इसलिए एक घंटे के लिए हम लोग ये जाते हैं और पापा के पास उसको छोड़ के जाते हैं। सो चलो चलते हैं जिम। तो अपने लिए क्या हो गया तुमको, आते इतनी दुखी क्यों हो? ठंड हो रही है तुम्हें? मैंने तो जैकेट भी नहीं कलाई। ये और मैं जा रहा हूँ ऐसे ही टी शर्ट में, हाफ टी शर्ट में, मेरी पानी की बॉटल। सो बाहर निकलने के बाद हमें ये रियलाइज हो रहा है कि ये स्मॉग कम लग रहा है, फॉग ज़्यादा लग रहा है और ठंडी भी है और मैं हाफ टी शर्ट पहन के आया हूँ। स्मेल नहीं है। हाँ स्मेल बिल्कुल नहीं है, जैसे जलने वाली होती तो आई थिंक ये फॉग ही है। अचानक से इतनी जल्दी सर्दी कैसे आ सकती है? कल तो एकदम गर्मी सी थी। जब शादी में जाएंगे तो टमटी के बहुत सारे गर्म कपड़े जाएंगे। हाँ कल ही हम लोग टमटी के कपड़े निकाल रहे थे जिसमें कि सोच रहे थे कि ज़्यादा सर्दी नहीं होगी क्योंकि अभी तो मौसम ऐसा ही है, और आज अचानक से इतना फॉग आ गया है। भाई हमारा वर्कआउट हो चुका है और आज हमारा लेग्स का था, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। स्वप्निल को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और हमें जिम से निकलते ही जिम के बाहर छोले कुलचे की दुकान दिखी। तो जिम के यार दो किलोमीटर तक आई थिंक ये बैन हो जाना चाहिए ना, नो जंक फूड। और नीचे हल्दीराम खुला हुआ है। हाँ हमारे जिम के नीचे ही हल्दीराम्स है और पेस्ट्रीज की शॉप है। टांटी क्या कर रहे थे तुम? अच्छा अच्छा तो आप तो ले जा सकते हो, धूप निकल आई हल्की हल्की। हम लोग घर वापस आ गए और अब बन रहा है नाश्ता, विच इज मेथी का पराठा, एग भुर्जी एंड चाय। यहाँ पे बन रही है चाय, यहाँ पे बन रही है एग भुर्जी, और ये तल गया है हमारा तवा जिसमें हमारा ये बनेगा मेथी का पराठा। सो गाइज यहाँ पे टमटी ब्रेकफास्ट कर रहा है और यहाँ पे बन रहे हैं पराठे जो कि मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे चढ़ रही है चाय और एग भुर्जी ऑलरेडी बन चुकी है यहाँ पे मेरी और पापा की। बस ये है मेथी का पराठा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड विंटर्स में तो ये मेरा फेवरेट है, तो ये हर दूसरे तीसरे दिन ही बनता है। टमटी इज प्लेइंग विद मक्खी। टमटी वेयर इज मक्खी? उड़ गई मक्खी, उड़ गई, आ जाओ वापस आ जाओ। खिलाने की कोशिश करी मेथी का पराठा, बट वो थोड़ा सा बिटर होता है टेस्ट में, तो उसने वो नहीं खाया। इवन उसने एग भी बहुत थोड़ा सा ही खाया है। सो ये चलता रहता है, एंड 10 बजे ही इसकी जो नैनी है जो उसका ध्यान रखती है दिन में वो आ चुकी हैं, एंड खाना बनाने वाली दीदी भी आ गई हैं, एंड झाड़ू पोछे वाली दीदी भी आ गई हैं, तो वो सब कुछ अपना अपना काम कर रहे हैं। एंड अभी मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, सुबह के 2 घंटे होते हैं जहाँ पर मैं यूट्यूब की स्क्रिप्टिंग करता हूँ और जो भी मेरा काम होता है इंस्टाग्राम का, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। क्या हो रहा है टंकी, व्हाट आर यू डूइंग? सो वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ, फिर उसके बाद ऑफिस के बाद क्योंकि हो नहीं पाता है वो काम, और मतलब कि नहीं हो पाता है ऑफिस के बीच में वो काम, तो मैं सुबह सुबह 2 घंटे का जो मेरा फ्री टाइम होता है उसमें मैं करता हूँ। एंड अभी क्या है कि स्वप्निल को जाना है एक ज़रूरी काम से, हम लोगों के यहाँ पे एक फैमिली में शादी है। यस बेटू यस, नहीं निकल रहा है, लेट मी हेल्प यू, ला डैडी हेल्प कर दे, निकल गया ठीक है। तो अभी हमारे घर में एक शादी है और उसके लिए हमें बनारस जाना है, एंड स्वप्निल उसकी तैयारियों में लगी हुई है। लड़कियों का जो काम होता है ब्लाउज ये सारी चीज़ें वो कर रही है, तो अभी उसको थोड़ी देर के लिए सेक्टर 18 की तरफ जाना है, तो अभी वो वहाँ जा रही है, एंड मुझे थोड़ी देर इसको बेबी सेट करना पड़ रहा है। एंड यस ऐसे ही हमारा अभी मॉर्निंग रहता है यूजली एवरी सिंगल डे, मतलब कि स्वप्निल नहीं जाती है एवरी डे बाहर, बट हाँ हम लोग रेडी होते हैं और उसको। यस बेटू यस बताओ क्या चाहिए आपको? तो यहाँ पे बन रहा है आज राजमा चावल है ना, आज राजमा चावल बन रहा है, राजमा का मसाला। अरे लोहे की कढ़ाई मनाना चाहिए था, अच्छा यहाँ बन रहे हैं चावल। टमटी बिल्कुल भी नहीं रुकता है, तो मेरी आंटी ने पकड़ा नहीं। तो गाइज अभी मैं अकेले हूँ रूम में, तो मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ कि क्या चल रहा है। तो अभी खाना बन रहा है और एकाक्ष की मालिश हो रही है, उसको नहलाया जाएगा, एंड दीदी उसको पूरा अच्छे से ध्यान रखती है, एंड डोंट वरी हम लोग CCTV कैमरे से उसको देखते रहते हैं। एंड क्योंकि अपने काम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस आफ्टर ऑल जो भी मेहनत कर रहे हैं वो सब उसी के लिए ही तो कर रहे हैं, एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा उसको नैनी के भरोसे छोड़ देते हैं, हम बीच बीच में जाते रहते हैं देखते रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कि दिन के अगर वो 10 घंटे रहती हैं तो फिर भी हम 5 घंटे या 6 घंटे उसके साथ रहते हैं उस बीच में भी, बीच बीच में।
तो जब ऑफिस की कॉल होती तब ऑफ कोर्स नहीं वो रह सकता हमारे पास, क्योंकि वो थोड़ा सा शोर मचाता है और कॉल्स में वो प्रोफेशनल नहीं लगता है, तो इस वजह से हमें थोड़ी देर के लिए उसको अलग रखना पड़ता है। बट अदर देन दैट ही इज़ ऑलवेज विद अस एंड वो मेरे पास बहुत ज़्यादा चिपकता है। जैसे अभी हमें देखा कि मालिश हो रही थी लेकिन वो फिर भी मेरे पीछे पीछे आ गया था, तो इस टाइम पे दीदी उसको लेके जाती है ज़बरदस्ती कि उसकी मालिश करा दूँ, उसको नहला दूँ, तब वो फ्री हो जाएगा। तब तक मैं भी अपना थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, निपटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमारा मॉर्निंग रूटीन चलता है एंड 12 बजे तक 12:30 बजे तक हम लोग लॉग इन कर लेते हैं ऑफिस का लैपटॉप में और काम शुरू हो जाता है हमारा। तो मेरे पास जो सुबह के 2-2.5 घंटे होते हैं उसी में मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम का काम करता हूँ एंड दैट्स हाउ आवर मॉर्निंग रूटीन लुक्स लाइक। एंड यस, चलो काम करते हैं यूट्यूब का, उसके बाद में आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, अपने ने नहा लिया है, मेरी भी बारी है। मेरे साथ पता क्या है, अगर मैंने सुबह नहीं नहाया और मेरा ऑफिस शुरू हो गया फिर मेरा नहाना मिस हो जाता है मुझसे, पता नहीं कैसे भी हो रहा है अभी इतनी जल्दी। एक दिन अभी मिस हो जाता है क्योंकि काम इतना ज्यादा हो जाता है ना कि बीच में उठ नहीं पाता मैं, फिर शाम हो जाती है तो ऐसा लगता है कि अगर अब मैंने शाम में नहाया तो मैं बीमार हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं फिर तुम सुबह ही नहा लेकर ना मेक कर। तुम बताओ सबको कि तुम जा कहाँ रही हो। तो मैं जा रही हूँ इंदिरा नगर मार्केट सेक्टर 27 नोएडा। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लेस, मतलब लेडीज का सामान मिलता है, घर का भी सामान मिलता है, लेकिन मैंने कुशन कवर वहीं से लिए थे। और तो मेरे पास एक मेरी सासू माँ की साड़ी है, उसको मैंने एक बार पहन चुकी हूँ जब मैं 7 मंथ्स प्रेगनेंट थी, तो अब मैंने सोचा उसको थोड़ा सा रेनोवेट करके उसको पहनेंगे हम शादी में। ओके ओके, अच्छा घूमी के नाम पे तुमने डैडी को छोड़ा है ना, अब तुम आना बेटा मेरे पास, तुमको मम्मी नहीं लेके जाएंगी तुमको, अब तो टमटी की पै पै हो गई, टमटी तो अब नहीं जा पाएगा, तो ले जाओ आंटी और तुम साथ से ले जाओ टमटी को, लेकर बाकी नहा लेगा 12 बजे। नहीं वो मैं काम फिर बहुत लेट हो जाएगा, ऑफिस गए। चलो जाओ, बाय बाय कर दो मम्मा को, बाय कर दो, बाय कर दो मम्मा को। टमटी आओ चल चल चल, रूम बता आली हूं मैं, आली तो गाइज़ अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, मेरा ऑफिस शुरू हो चुका है, स्वप्निल भी वापस आ चुकी है एंड अब बारी है लंच करने की। और स्वप्निल का यहाँ पर पार्सल आया हुआ है जो कि आता ही जा रहा है, पिछले 4-5 दिनों से रोज पार्सल आ रहे हैं, जरूरत की चीजों का आ रहा है। और लड़कियों का जरूरत की चीजें हर हमेशा जानबूझ के जो शॉपर वाले होते ना दुकान वाले एक एक करके भेजते ताकि सो यहाँ पे है लंच विच इज़ राजमा राइस और एकाक्ष अभी सो रहा है। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्टिंग का काम थोड़ा सा किया, अभी मुझे और करना है, वहाँ मेरा ऑफिस चल रहा है। एंड ये रहा स्वप्निल की प्लेट एंड दिस इज़ हाउ आवर मॉर्निंग रूटीन लुक्स लाइक। और ये अब आफ्टरनून तक खिंच चुका है बट स्टिल हम इसको मॉर्निंग रूटीन ही बोलेंगे क्योंकि 12-1 बजे तक हमारी मॉर्निंग चलती है। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर व्लॉग हेयर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।